बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रबे यस्सिर वला तुयस्सिर व तमी बिल हैर, रबे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ द बुक D2, एन अपडेटेड 7th एडिशन, एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज 7B, एंड टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3, एंड ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर आर अवेलेबल इन माई चैनल एंड द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। Let's start, students. Now, students, question number 1, factorize each of the following expression completely. जब भी हमने किसी चीज़ के फैक्टर बनाने हैं ना, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, उधर ये तो ईजी स्टार्ट हो रहा है ना, उधर आपके पास मैंशन नहीं होगा कि आपने जो है ना इधर क्या जो है ना वो मैथड अप्लाई करना है। लेकिन फैक्टराइज का स्टार्ट आपने इसी तरह ही लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें जो है ना क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जो है ना वो कॉमन जो है ना उसको नोटिस करना है कि इसमें जो है ना वो क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर इधर देखें तो इधर 3 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है और 9 भी आता है। ठीक है, ये 3 कॉमन आ गया एंड लेफ्ट 4x-3। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम इन पार्ट बी वी ऑब्जर्व वॉट इज़ द कॉमन, द साइन इज़ ऑल्सो कॉमन। ठीक है, दोनों के पास माइनस है, वी कैन टेक इट आउट। ठीक है, हम इसको बाहर ला सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इसमें 5 है, ठीक है, और जो लेफ्ट रह गया 5 5 times 25 by +7। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, सी पार्ट, सी पार्ट में देखें तो इधर हमारे पास कॉमन आ रहा है 9। ठीक है, 9 के साथ जो है ना वो बी कॉमन आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 3 -4y। ठीक है, 9 3 times 27 एंड 9 4 times 36 एंड दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, डी पार्ट, डी पार्ट में देखें तो इधर जो है ना हमारे पास जो है ना वो आ रहा 4। अब इधर 3 वैल्यूज आ गई, अब हमने इन तीनों को ऑब्जर्व करके जो है ना वो कॉमन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर आ रहा है मेरे पास 4 और 7a, लेफ्ट रह गया 2x+3 and z, sorry this is -z एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ डी पार्ट। स्टूडेंट्स, ई पार्ट, ई पार्ट को देखें तो इधर जो है ना वो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो आ रहा है 4। और 4 के साथ जो है ना वो m कॉमन आ रहा है। ठीक, लेफ्ट सॉरी 2 के साथ जो है ना वो m कॉमन आ रहा है। ठीक, 4 नहीं आ सकता। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया 2, ठीक, -3y and -9z। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ ई पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम, इधर सबसे पहले जो है ना वो हमने कॉमन को देखना है, इसमें से कॉमन कौन सा है। इधर जो कॉमन आ रहा है वो है 9 आ रहा है। ठीक है, 9 3 times 27 होता है, लेफ्ट x+3y। ठीक, एंड दिस इज द आंसर। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हम देखें तो इधर हमारे पास जो है ना वो कॉमन आ रहा है a, तीनों वैल्यूज के पास है, और साथ जो है ना b। ठीक है, लेफ्ट रह गया 2b, ठीक, -bc। ठीक, ए भी कॉमन आ गया, ओनली 5। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, सी पार्ट, सी पार्ट में जो है ना वो अब हमारे पास कॉमन आ रहा है 12, x² बोथ के पास x² है एंड y। ठीक, लेफ्ट रह गया 1। जब ये सारी वैल्यू बाहर कॉमन में आ गई तो हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा 1 1 plus इधर 2y। ठीक है, इसमें वाई स्केयर था, ये बाहर वाई है। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, डी पार्ट, डी पार्ट में देखिए ये हमारे पास कॉमन आ रहा है 9। ठीक, 9, और ए भी किसी के पास नहीं, बाकी वैल्यूज लेफ्ट रह गई ए स्केयर 2b+3। ठीक, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नाउ सिंस ई पार्ट में जो है ना वो हमारे पास कॉमन आ रहा है ए ओनली, ठीक है, ए ही तीन वैल्यूज़ के पास है, ठीक सिंस ए कॉमन आ रहा है और जो है ना लेफ्ट रह रहा है हमारे पास 15 ए स्क्वायर माइनस ए 5 ए एंड माइनस 1, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इस वजह से जो है ना वो हम इसको इनको जो होते हैं ना इतना ही जो होते हैं ना वो छोड़ देते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एफ, इसमें कॉमन आ रहा है 5, ठीक है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स, इसमें आ रहा है 5 और एक्स स्क्वायर, तीनों के पास एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट रह गया 5 प्लस 3y प्लस 4y क्यूब, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर अब हम इधर ऑब्जर्व करें तो इधर जो है ना हमारे पास जो है ना वो 4 टर्म्स आ गई है, ठीक है, ऑब्जर्व करें फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इधर जो है ना हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, जब 4 टर्म्स आ जाएंगी ना फिर हमने 2 में से कॉमन लेना है, ठीक है, देखेंगे इन 2 टर्म्स में से क्या चीज़ जो है ना उनको आपने क्लोज ले आना है, ठीक है, जैसे ए एक्स और ए वाई, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है इस वजह से मैं ना इनको साथ लिख रही हूँ ए जी, ठीक, इधर आ गया बी वाई प्लस बी जी, ठीक, इधर से मैंने कॉमन लिया, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन आ रहा है ए, से ए कॉमन आ रहा है ए, लेफ्ट रह गया एक्स प्लस जी, और इन दोनों वैल्यू में से बी कॉमन आ गया, लेफ्ट रह गया वाई प्लस जी, ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, ये इतना ही जो है ना वो इसका आंसर होगा, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से जो है ना वो कॉमन निकल रहा है, हमें इनके इनकी ना पोजीशन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक, इसमें से जो है ना ये सबसे पहले हमने अपनी जो है ना टर्म्स को ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरह जो होंगी, किस में से क्या कॉमन आ रहा है, तब आपने उनकी जो है ना वो पोजीशन को चेंज करना है, ठीक, इधर जो है ना वो मेरे पास आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक, एक्स कॉमन आया तो लेफ्ट रह गया मेरे पास जो है ना वो एक्स माइनस ए, ठीक स्टूडेंट्स, और इधर मैं देखूँ तो मेरे पास आ रहा है कॉमन माइनस बी, ठीक है, इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, जब ये माइनस बी कॉमन आ गया तो अंदर वाली की वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक स्टूडेंट्स, ये अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एंड इट्स बिकम्स एक्स माइनस ए, ठीक है, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके रिवर्स जाकर भी आप देख लें, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वी गेट बी एक्स और माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए बी, ठीक है, ये जब फिर हम कॉमन लेते हैं बी कॉमन आता है, इस वजह से जो पॉजिटिव साइन है ना ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। उसके बाद आ गया एक्स माइनस ए, ये अब कॉमन है इनमें, इसको हमने लिख लिया और जो लेफ्ट रह गया एक्स माइनस बी, ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर। नाउ बी पार्ट इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट सी पार्ट, सी पार्ट में देखें इधर हमारे पास एल कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट रह गया फर्स्ट टू टर्म्स में एल माइनस एन, इधर हमारे पास जो है ना वो एम कॉमन आ रहा है और लेफ्ट रह गया एल माइनस एन, देखें अब एल माइनस एन दोनों में कॉमन आ गया, वी कैन टेक इट आउट एल माइनस एन और बाकी का एल प्लस एम, ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ सेंस डी पार्ट, डी पार्ट को देखें तो इधर जो है ना वो हम पहले इसको देख लें, वैल्यूज़ को देख लें, इसमें से फर्स्ट वैल्यूज़ में से जो है ना वो वाई जो है ना वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है, ये वाई हमने कॉमन लिया एंड वी गेट लेफ्ट रह गया मेरे पास 4x, ठीक, माइनस वाई, ठीक है, इधर प्लस है, अब इसमें से देखें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, ठीक ठीक 3 के साथ जो है ना वो z कॉमन आ रहा है, ठीक, और लेफ्ट रह गया 4x माइनस वाई, ठीक, अब ये देखें ये दोनों चीज़ें 4x माइनस वाई वाई प्लस 3z, ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट, ई पार्ट में हमने कॉमन लेना है, पहले देखें फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम ऑब्जॉर्व करें तो इसके अंदर जो है ना वो ए स्केयर कॉमन आ रहा है, लेफ्ट रह रहा है ए माइनस फाइव, इधर भी ए माइनस फाइव,
ठीक सुन सी ए माइनस फाइव इन दोनों में कॉमन में हमने इसमें से कॉमन लिया और ये जो बाकी रह गया ए स्केयर प्लस वन. ठीक सुन दिस इज द आंसर ऑफ ई पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स एफ पार्ट. एफ पार्ट में इसमें हम देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है एन, ठीक है, लेफ्ट रह रहा है एम एन, ठीक है, माइनस पी स्केयर. ठीक, अब इसमें देखें हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही. ठीक है, जब कॉमन ही होती है हमने साइन को ही कॉमन ले लेना है. ठीक है, और जब अंडरस्टूड है इधर वन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये अगर कुछ नहीं होता तो उधर वन आता है. ठीक है, वन लिखा जाता है. ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर वन राइट डाउन कर रही हूँ. ठीक है, और अंदर लेफ्ट एम एन माइनस पी स्केयर. ठीक है, आप इसको दोबारा से रिवर्स मल्टीप्लाई करके भी देख लें. जब ये इसे मल्टीप्लाई है वो गेट एम एन माइनस माइनस पॉजिटिव एन पी स्केयर. जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो है ना ये पॉजिटिव पी स्केयर आ जाता है, अंदर जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये साइन का थोड़ा सा आपने ध्यान करना है. अगर इधर आप बाहर माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला जो साइन है जो ब्रैकेट में आएगा इट विल बी चेंज्ड. ठीक, ये इधर आ गया, दोनों आप देखें हमारे पास कॉमन आ गई एम एन माइनस पी स्केयर और बाकी ये वैल्यू बच गई. ठीक है, एन माइनस वन. ठीक सेंस, एंड दिस इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्वड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.